वेलकम टू माई चैनल ब्लाई बूस्टर। मैंने कई बार सोचा कि मैं अब अपने चैनल का नाम चेंज करूंगा। मुझे सजेशंस भी आए, अमरीश भारती सर ने मुझे कहा भी कि तुम आप अपने चैनल का नाम अगर चेंज करते हो तो थोड़ा ग्लोबली फैलोगे। मैंने कई बार सोचा कि मैं चेंज करूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रखूं। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है कि मुझे अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहिए तो आप बता दीजिए, या मुझे अगर यही नाम रखना चाहिए तो आप ये भी मुझे बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो कि जस्ट अभी अभी मैं सच बताऊँ तो मैंने भी अभी 10 मिनट पहले वो ट्राई किया एंड इट हैपेंड। तो मुझे लगा ये आप लोगों को शेयर करना चाहिए। ट्रिक बहुत सिंपल सी है, क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि आप अगर आपको ज़रूरत है तो हर चीज़ आपको मिल जाती है, हर चीज़ आपके लिए हो जाती है। यूट्यूब पर मैंने तरीके भी देखे कि इस चीज़ को करने के लिए मुझे तरीके मिल जाएँ, लेकिन हर जो है हेलमेट वो अलग होता है। तो आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये है इस वीडियो का टॉपिक, हेलमेट। हेलमेट में आपने एक चीज़ देखी होगी, इसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग। तो ये जो आपका पार्ट है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाइजर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस वाइजर को हेलमेट से अलग कैसे किया जाता है, मतलब डिटैच कैसे किया जाता है। बिकॉज़ मैं कई बार इस वाइजर को साफ़ कर चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कई बार साफ़ किया लेकिन डस्ट रह ही जाती है। और ये जो साइड का आप देख रहे हैं, ये जो साइड का पोर्शन है, यहाँ की जो डस्ट है ये मैं कभी निकाल नहीं पाया। तो मुझे लगा आज इस वाइजर को बिल्कुल अलग करना चाहिए हेलमेट से, एंड आई ट्राइड अलॉट। तो एक सॉल्यूशन मिला कि किस तरीके से अलग किया जा सकता है। तो आज मैं वो तरीका आपको बताऊँगा कि हाउ टू डिटैच योर वाइजर थ्रू योर हेलमेट। और ये जो हेलमेट है ये आप देख सकते हैं, ये है निंजा 3G स्टड का। तो जिनके पास ये है वो तो डायरेक्टली देख लेंगे, या जिनके पास कोई और तरीके के हेलमेट होते हैं वो भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। कुछ इस सेगमेंट के ज़्यादातर हेलमेट इसी तरीके से आपको वाइजर निकाले जा सकते हैं उसके। तो ये वीडियो अगर आपके लिए फ्रूटफुल होगी तो इसे पूरा एंड तक देखिए। तो ये है हमारा वाइजर। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, इससे पहले सबसे पहले वाइजर को अपर पोर्शन की तरफ इस तरीके से आप पूरा खोल लें, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये हुक होगा, या आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ स्प्रिंग है और ये हुक है। इस हुक को खींचने में आपको आसानी हो, और आप जैसे ही इस हुक को खींचेंगे नीचे की तरफ, ये देखिए, ये अपने आप ये वाइज़र जो है ये बाहर आ जाएगा और ये वाइज़र आपका हो गया अब अलग। और इसको फिट करने का भी सेम तरीका है, आप इसे ऊपर की तरफ ही इस तरीके से रख के यहाँ पे इस हुक को नीचे की तरफ करेंगे और इसे पुश कर देंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, ये देखिए। और जब आप इसको घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। सी, ये हो गया वाइजर अलग। बहुत ही सिंपल फंडा था, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया, लेकिन मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। और मैं सच बताऊं तो मैंने जितने YouTube वीडियोस देखे थे तो मुझे उतना फ्रूटफुल नहीं लगा। तो मैंने इसे अपने तरीके से, अब इंजीनियर हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दिमाग लगाना ही होता है, तो ये दिमाग लगाया और वेरी ईजिली ये चीज़ हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, अगर आपको ये काम आए, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले आप सभी को जितने ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस चैनल पे गिव अवे भी होंगे, अब इस चैनल से मीटअप भी होंगे और इस चैनल पे बहुत कुछ होगा। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि क्या मुझे इसको मैं बाद में अगले अपने वीडियो में डालूँगा। तो इस चैनल पर बहुत कुछ होगा, तो जुड़े रहिए भिलाई बूस्टर के साथ। और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी होगी तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है आप कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर तो ज़रूर करिएगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड शब्बा खैर, बाय बाय।